चल 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 रहा क्या कर रही है चल रहा क्या कर रही है भाई क्या सीन है ये बाइक मेरी आज दो बार गिर चुकी है ये पता नहीं क्या लीक हो रहा है तेरे को कहाँ इधर लगी कहीं पे ये शक्ल देख रहे इसकी डर जाती है यार सांजी पकड़ के रखना जो ड्राइवर होगा उसको कॉफी लगी होगी कैसे हैं आप लोग होप आप सब बढ़िया ही होने चाहिए गाइस जैसे कि आप लोगों को पता है वीकेंड में भाई सांची आती है और उसको मंडे को वापस जाना होता है तो गाइस आज मैं सांची को यूनिवर्सिटी ड्रॉप करने के लिए जा रहा हूँ क्योंकि गाइस वैसे भी सांची के एग्जाम वगैरह चल रहे हैं तो अभी उसको यूनिवर्सिटी छोड़ना है मैंने आज तो भाई बाहर तो बहुत ज्यादा धूप हो रखी है गाइस अभी तो मैं Z900 पे जाने वाला हूं और चलते हैं रास्ते में आप लोगों से बात करते हैं आज तो आप लोगों को लग रहा होगा कि बहुत ही ज्यादा चमक रही है क्योंकि तुम्हारे भाई ने इसको वॉश करवाया और भाई एकदम पॉलिश करवा के ना चमका दिया हुआ है देख सकते हो मतलब जितनी बार भी दिखाऊं मेरा मन नहीं भरता तो आज इसके पिछले टायर में हवा ना काफी कम है क्योंकि पिछला टायर भी इसका चेंज करवाने वाला हो चुका है क्योंकि काफी घिस गया है तो गाइस धूप देख सकते हो भाई बहुत ज्यादा धूप निकली हुई है बट सांची को छोड़ने तो जाना ही पड़ेगा तो अभी चलते हैं डायरेक्ट सांची के पास उसको पिक करते हैं फिर चलते हैं सो गाइस मैं आ चुका हूँ सांची के घर की गली में और वो आ रही है सामने सांची कितना स्ट्रगल है ना तेरी लाइफ में है ना वीकेंड पे घर पे आओ फिर मंडे को जाओ है ना धूप भी कितनी है और आज हेलमेट लेके आई है देख रहे हो गाइस बस एक ही लाइन इसने रटी हुई होती है हर बार यही बोलती है मेरे को ना इस पे तरस आता है आजकल कितना स्ट्रगल है ना इसकी लाइफ में हर हफ्ते बेचारी घर पे आती है फिर जाना पड़ता है शुक्र है आती हूँ अच्छा ओ भाई धूप बहुत ज़्यादा यार यहाँ पे रुकने का कोई फायदा नहीं ठीक है रास्ते में चलते हुए रुकेंगे ओके काफ़ी टाइम के बाद आज हेलमेट लेके आई है ज़रा पहनो तो हेलमेट आय हाय देखा गाइस क्या कर रही है आय हाय एक और बार आय हाय इतना सा मुंह दिखता है तेरा पहले अपने बालों को पीछे लेना तेरी अदा देख रहे हो इसकी अदा देख रहे हो इसकी नाइस अब सही है तो गाइस निकलते हैं यहाँ से अब आपको आगे मिलते हैं सीन ये हो चुका था कि गाइज इसमें पेट्रोल जो है वो मैं डालता हूँ XP95 बट मेरे को XP95 पेट्रोल कहीं मिल ही नहीं रहा है क्योंकि दो पेट्रोल पंप में होता है और वहाँ पे ख़त्म हो चुका तो अभी गाइज मैंने इसमें सिर्फ 200 रुपीज़ का डाला हुआ है वो भी नॉर्मल जो ऑयल होता है वो वाला तो आगे जाके देखूंगा अगर XP95 मिलेगा तो वही डालूंगा नहीं तो मेरे को फिर नॉर्मल वाला पेट्रोल ही डालना पड़ेगा इस वजह से गाइज थोड़ा सा हम लेट हो गए पीछे से सांची कब से सिर खा गई है मुझे बाइक दो आपने बोला था मतलब इसको बातें भूलती नहीं है ना सांची हाँ पहले मेरे को पेट्रोल डलवाने दे उसके बाद तक को दूंगा ठीक है पक्का दूंगा ओके कब से हम घूम रहे थे पेट्रोल के लिए बट भाई मेरे को पेट्रोल मिला ही नहीं XP95 तो अब मैंने नॉर्मल डलवाया हुआ है तो रॉन्ग साइड गए हुए थे हम अब हम यहाँ से जा रहे हैं अरे ट्रक वाले भैया तो गाइस अभी मैं सोच रहा हूँ कि सांजी को बिठा के एक विली मारी जाए क्या बोलते हो ट्राई करें सांजी पकड़ के रखना सीरियसली मैं बताऊं मैंने खुद जान के ज्यादा लंबी नहीं मारी यार क्योंकि ना मेरे को सांची को बिठा के डर लगता है यार क्योंकि इतनी प्यारी सी मासूम सी है क्या पता हाथ ही छोड़ दे सांची कैसा लगा हाँ मस्त ये पीछे से सोच रही होगी कब नीचे लाएगा क्योंकि इसमें क्या होता है ना इसमें विली आप मार तो लेते हो लेकिन एक तो बैलेंस और दूसरा ये कि इसमें विली जो है वो बहुत फास्ट बचती है जो विली मैं मारता हूँ इसको बोलते हैं पावर विली ठीक है क्योंकि आप तेज चले जाते हो आगे आगे तो इसलिए मैं इसको बिठा के ज्यादा लंबी नहीं मारा था भाई आते टाइम आपको दिखाऊंगा बिल्ली सो गाइस अभी मैं और सांची जा ही रहे थे तो भाई ये एक्सीडेंट देख के मैं रुक गया क्योंकि भाई कितना खतरनाक एक्सीडेंट हुआ है भाई देख रहे हो क्या हाल हुआ है गाड़ी का जिस हिसाब से हिट हुई है ना ऐसा लग रहा है भाई जो ड्राइवर होगा उसको काफी लगी होगी बस भगवान करे वो ठीक होना चाहिए भाई तो गाइज अभी हम चलते हैं तो अभी मैं आपको सीधा मिलता हूँ भाई टनल के पास सो गाइज अभी हम यहाँ पे रुके हैं क्योंकि ना मेरे पिछले टायर में हवा काफी कम हो चुकी थी मेरे को फील हो रहा था लीन में है ना क्या हो गए बाल खराब क्या बोल रहे हो खराब है हवा भराने आए भाई लेकिन मशीन खराब हो गई है भैया की आगे से कराते हैं फिर है ना थोड़ा हो रहा है लीन मारते टाइम है ना बाइक थोड़ी ऐसा लग रहा है जैसे थोड़ी स्लिप हो रही है ना तो कोई बात नहीं गाइस आगे से डलवाते हवा आज मेरे साथ हो कह रहे मुझे समझ नहीं आ रहा तो गाइस यहाँ से थोड़ी दौड़ाते हैं क्या बोलते हो दौड़ाए टनल पे आप
देख सकते हो हम सांची की यूनिवर्सिटी वाली साइड आ गए हैं, मतलब वो वाला रोड है ये। तो हाईवे पे मेरे को इसको देना ठीक नहीं लग रहा था भाई बाइक, तो यहाँ पे बाइक दे देते चलाने के लिए, क्योंकि जब तक दूंगा नहीं तब तक ये मेरे को जीने नहीं देगी। तो गाइज अभी ना मैं इसको बाइक वहाँ पे देने वाला हूँ, क्योंकि ना यहाँ से थोड़ी ढलाई भी है, ठीक है। तो मतलब सेफ है ये रोड, बट यार मतलब ये देख रहे हो नीचे क्या है, ऐसा ना हो GTA Vice City समझ के सांची यहाँ से स्टंट मार दे। तो इसलिए ना मैं सोच रहा हूँ ढलाई में नहीं देता हूँ इसको, आते हुए देता हूँ। तो वहाँ पे बाइक लगाते हैं हम, वहाँ से यहाँ से एक राउंड यहाँ तक मारेगी, फिर एक और राउंड यहाँ से मारेगी, ठीक है। दो राउंड बहुत है, वो था ना दो राउंड, अगर एक बार भी बंद हुई ना मैं ले लूँगा बाइक, ठीक है। नहीं होगी ना पक्का, डेले देख रहे हो गाइज इसके, गाइज यू नो डेला, डेला क्या होता है पता है आप लोगों को, डेला इट्स मीन आइस। बैग तूने वहां पे रख दिया, बंदर ने अगर ले लिया ना कपड़े सारे चले जाएंगे। मैं बाइक वहां पे लगाता हूँ, उसके बाद इसको चलाने के लिए देते हैं चलाने के लिए। तूने याद है कैसे मारा था मुझे पिछले ब्लॉग में, बस बस आराम से, हाँ गिराना नहीं भाई, बस चल आराम से, खाली क्लच पे चलानी है, रेस बहुत ही कम देनी है, दबा के रख पहले। हाँ अब बस इसी स्पीड में ठीक है इसी स्पीड में, बस ऐसे ही मोड़ काट रेस दे थोड़ी सी, क्लच भी छोड़ आराम आराम से, बस अब पीछे आने दे रुक जा, ओ गिरी ना बाइक, अगर पीछे करता हूँ, रुक जा भाई, क्या क्या करना पड़ रहा है मेरे को इसको बाइक चलाने के लिए, यहाँ तो इसको चलाने आती होती है ना, बस ब्रेक मार आराम से, अब मोड़ काट, अब सीधा ले जाना, पर्स इसका मैंने यहाँ पे फेंक दिया, उठा लूँगा, चल रेस दे बहुत बढ़िया, टायर में ना हवा भी बहुत ज़्यादा कम है, ये देखना क्या कर रही है, अगर भाई गिरी ना खड़े हो जा सीधा, भाई गिरनी नहीं चाहिए, क्या कर रही है तू, पूरा वेट इस तरफ मत डाल, क्लच छोड़ बहुत सही बढ़िया, बस ऐसे रख बहुत सही देख रहे हो गाइस, चला तो लेती है, बस ना इसको थोड़ा डर भी लग रहा है, क्योंकि अकेले चला रही है, डर तो मुझे भी लग रहा है, बहुत बढ़िया। और इसका पर्स वहाँ पे अकेला पड़ा हुआ है भाई, फोन भी उसी में है, बंदर ना ले जाए, बस अब यहाँ से मोड़ काट, बंद कर दिया तूने, आह तूने 50 बार सेल्फ मारा है, कितनी बार, 50 बार, जल्दी का, तेरा पर्स वहाँ पे पड़ा हुआ है, अब यहाँ से मोड़ काट आराम से, यहाँ पे कट जाएगा आराम से, गाइस देख रहे हो मेरे को ना इसको मोड़ काट के देना पड़ रहा है, ब्रेक भी तो मार दे अब। अब पीछे कर, क्लच तो पूरा दबाया कर सांची, क्लच तो पूरा दबाया कर, बाइक चलानी है पर चलाने की जांच है नहीं, गाइस देख रहे हो अगली ब्रेक भी मार रही है, मैं पीछे धक्का लगा रहा हूँ और अगली ब्रेक मार रही है। ओह बस कर अब यहाँ से सीधा आराम से जाना, ढलाई है आराम से, और वहाँ से ऐसे मोड़ काट देना, ठीक है, चल आंधे क्लच मत छोड़, अभी रेस मत देना। ओ भाई इसके चक्कर में ना मेरे को सांस चढ़ रही है, आराम से अब ऐसी मोड़ काट और पर्स के पास लगा दे बाइक, मोड़ काट आराम से काट, मोड़ कट जाएगा, मोड काट के वहीं पे लगा दे जहां पे लगी थी, चल। It was at this moment that he knew he fucked up. चल रहा, क्या कर रही है? उठ, क्या हुआ? भाई क्या सीन है ये, बाइक मेरी आज 2 बार गिर चुकी है, क्या कर रही है सांची यार, लगी तेरे को हैं? बता कहां लगी, खड़े क्या कर रही है साजी मेरी भाई, वो पेट्रोल रही, ये क्या लीक हो रहा है, ये पता नहीं क्या लीक हो रहा है, पेट्रोल है नहीं, पेट्रोल नहीं है, क्या ये स्मेल आ रही है तेरे को, क्या ये पता नहीं क्या लीक हो रहा है, बंद कर, खड़े क्यों गिरा रही है सांची, तेरे को मैंने बोला भी था क्लच पूरा नहीं छोड़ा कर, बाइक बंद हो जाती है, लगी कहाँ तेरे को, दिखा हाथ, इतने नाजुक हाथ, लगी तेरे को कहाँ, इधर लगी कहीं पे, लगी तेरे को रुक यार, पहले मेरे को पर्स उठाने दे इसका, हुआ क्या पहले बता, बाइक कैसे गिरी इधर से, मेरे को लग रहा था तू आज बाइक गिराएगी, गिरी कैसे, इधर देखियो शक्ल दिखाइयो अपनी, बाइक कैसे गिरी, क्या किया तूने, लेफ्ट साइड होगी, तेरे को मैंने बोला था सांची जब बाइक स्लो होती है क्लच पूरा नहीं छोड़ा कर बिना रेस दिए बाइक बंद हो जाती है, तो गाइस इसकी बात सुन रहे हो, कह रही है मैंने रेस दबा दी क्लच भी दबा दिया, रेस को कैसे दबाते हैं जरा बताना, रेस को कैसे दबाते हैं पागल, डर के मारे ना इसको समझ नहीं आ रहा क्या बोल रही हूँ, तूने पता क्या किया, तेरे को मैंने बोला था सांजी खाली क्लच छोड़ना आराम से, पूरा नहीं छोड़ना होता, अब तू बिना रेस दिए क्लच छोड़ रही है तो बाइक बंद होगी मोड़ पे, तभी तू गिरी, मेरे को डर था तेरी टांग ना आ जाए बाइक के नीचे,
तेरे को लगी है कहीं बता दे, हाथ पकड़ रही है बार बार, दिखाइयो पीछे कर इसको, ये क्या लगा क्या, ये पढ़ दे तू नहीं लगी है, लगी कहीं पे भी पक्का बता दे, कहीं लगी है। बहुत खतरनाक है भाई, इसलिए तक मैं बोल रहा था ना सांची अकेले नहीं चला सकती, 2 टन की बाइक है यार, नहीं संभलती है ये। अच्छा तूने मतलब पूरी उम्र सीधी सीधी बाइक चलानी है, मोड़ काटने की जांच नहीं आनी चाहिए तेरे को। ओ यार तू तो यहाँ से लेकिन मोड़ काट रही थी, यहाँ पे ढलान का क्या कसूर? हाँ तब भी मेरे को देखने दे बाइक को हुआ क्या, पता नहीं गाइस क्या लीक हो रहा है। मेरे को पता क्या लगा कि तेरी टांग आ गई है इसके नीचे, यूनिवर्सिटी जाते जाते इसकी टांग में लग जानी है। कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, बाइक को फुट रेस्ट ने बचा लिया और भाई लेग गार्ड ने बचा लिया, क्योंकि इसको ना यहाँ से स्क्रैचेस आए हुए हैं। तू ना सबसे पहले ड्यूक सीख, ड्यूक पे परफेक्ट बन, सीधा इतनी पावर वाली बाइक मेरे से भी नहीं संभलती है, समझ रही है बात? अब प्लीज़ अब मत जिद कर, अभी फिलहाल यूनिवर्सिटी छोड़ने दे मेरे को, तेरे को सही सलामत। लगी नहीं ना पक्का, इधर देख पक्का नहीं लगी, आ गया शक्ल देख रहे, इसकी डर जाती है यार। नहीं टेंशन ले, मैंने तेरे को कुछ बोला बाइक टूट जाए कोई टेंशन नहीं, मेरे को टेंशन सिर्फ तेरी है। ये चीज़ तेरे पाँव में चुभ जाती ना, ज़्यादा लगनी थी। इधर देख पहले मुस्कुरा थोड़ा सा, क्या हो गया? मैंने तेरे को कुछ बोला? डांटा तेरे को? समझा रहा हूँ ना, चलें फिर अब है मर्जी। नहीं यार गाइस देख रहे हो इसका मुंह चढ़ गया हुआ है यार, मैंने तो कुछ बोला भी नहीं तेरे को। तो गाइस देख सकते हो भाई सांची ने अभी जो हादसा हुआ है ना सांची के साथ, सांची ने किया है भाई वो इसकी बेवकूफी की वजह से हुआ है। सांची जरा मुझे बता क्या हुआ था तेरे साथ, क्या किया था तूने? गिर गई क्लच छोड़ दिया था, क्लच छोड़ दिया था। अगर तेरे को लग जाती फिर इसको मैं बोलता भी हूँ कि मेरी सुन लिया कर, मैंने इसको बोला भी क्लच आराम से छोड़, इसने भाई क्लच ही छोड़ दिया मोड़ पे और उससे बाइक होगी बंद और ये गिर गई। अभी शुक्र करो भाई मोड़ पे गिरी। और मेरे को एक चीज़ बता, तू हर बार मोड़ पे ही क्यों बाइक गिराती है? इसने गाइस मेरी ड्यूक देखी होगी आपने वीडियो, इसने मेरी ड्यूक भी ऐसी गिराई है, जीनो से भी इसने ऐसी गिराई। तो गाइस करते हैं फिर आज के व्लॉग को यहीं पे एंड, क्योंकि अभी मैं जाने वाला हूँ भाई सांची को छोड़ने के लिए। सांची व्लॉग एंड करो, बाय गाइस, बाय गाइस। ये ना अभी बोलने की हालत में ही नहीं है भाई, क्योंकि ना डर चुकी है ये। तो गाइस व्लॉग एंड करने से पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ, कुछ मेरी जो ऑडियंस है वो है राइडिंग वाली, मतलब कुछ लोगों को मेरी राइडिंग ज्यादा पसंद है, कुछ लोगों को हम दोनों के व्लॉग ज्यादा पसंद है। तो गाइस इसलिए मैंने डिसाइड किया कि हम दोनों भी व्लॉग बनाएंगे और मैं अपनी राइडिंग का भी व्लॉग बनाऊंगा, क्योंकि कुछ मेरी यूट्यूब फैमिली ऐसी है जिन्हें सिर्फ राइडिंग देखनी है, समझ रहे हो, राइडिंग व्लॉग्स देखने हैं, तो उनके लिए मैं राइडिंग व्लॉग्स भी डालूंगा और हम दोनों के व्लॉग्स तो ऑब्वियसली वो तो आते ही रहेंगे। करते हैं आज के व्लॉग को यहीं पे एंड, तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए महाकाल का, लाइक और शेयर ठोक दीजिए, 5,000 लौटे दिख जाना चाहिए, ये 4,000 के लिए मैं यहाँ पे नहीं खड़ा हूँ।